नमस्कार, ऐसे सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मित्रों, देश की एक बहुत सुपरहिट प्रसिद्ध फिल्म है शोले, और शोले में एक सीन होता है जिसमें धर्मेंद्र पानी की टंकी पर चढ़ जाता है, आत्महत्या की धमकी देता है और उसको बसंती से शादी करनी होती है। ऐसा एक दृश्य रतनगढ़ में हुआ जब भानी धोरा मोहल्ले में बालाजी के मंदिर के पास एक टंकी पर राकेश शर्मा नाम का युवक चढ़ गया और उसने पुलिस को ये कहा कि उसे संजय दत्त से मिला है, साथ में वो बाल अपचारी है, बचपन में एक हत्याकांड में दोषी है। उसने कहा कि इस बदनामी के कारण मेरी शादी नहीं हो रही है, मेरे ऊपर से केस भी हटना चाहिए। पुलिस ने समझाइश की कोशिश की। सुबह 10 बजे चढ़ा युवक, शाम को 6 बजे तक टंकी पर चढ़ा रहा। लोगों ने टंकी पर जाने का प्रयास किया तो उसने गले में फंदा डाल रखा और उसने कहा था कि मैं लटक जाऊँगा अगर कोई ऊपर आया तो। एक बार तो उसने पैर भी लटका लिए थे, लेकिन आखिरकार ये ड्रामा 8 घंटे चलने के बाद शाम को 6 बजे समझाइश से राकेश शर्मा के नीचे उतरने के साथ खत्म हुआ। आइए बताते हैं ये एक रोचक स्टोरी कैसे हुई और इसका अंत कैसे हुआ। रतनगढ़ के भानी धोरा बालाजी मंदिर क्षेत्र का दृश्य आप देख रहे हैं। इस 80 फीट ऊंची टंकी पर भानुदा गांव का 21 वर्षीय युवक राकेश शर्मा चढ़ा हुआ है और वो पुलिस और अन्य लोगों को ये धमकी दे रहा है कि अगर उसे संजय दत्त से नहीं मिलाया गया तो वो लटक जाएगा। उसने गले में एक रस्सी डाल रखी है। काफी भीड़ इकट्ठी हो चुकी है, प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और पिछले 2 घंटे से लगातार वो अभी भी पानी की टंकी पर बना हुआ आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं पुलिस की गाड़ी यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी कर रखी है। किसी भी अनहोनी की आशंका से यहाँ पर पूरी तैयारियां की जा रही है क्योंकि काफी देर से पानी की टंकी पर बनावर धमकियां दे रहा है। इस समय राकेश शर्मा और पुलिस प्रशासन के बीच फोन पर बातचीत हो रही है। पुलिस और अन्य अधिकारी लगातार समझाइश का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक राकेश को नीचे उतारने में कामयाबी नहीं मिली है। घटनास्थल पर सैकड़ों तमाशबीन पहुंच चुके हैं। यह घटना सभी के लिए कौतूहल का विषय बनी हुई है। आप देख सकते हैं सभी टंकी की ऊपर झांक रहे हैं। भानुदा गांव के राकेश शर्मा ने प्रशासन आम जनता में खलबली पैदा कर दी है टंकी पे चढ़कर। घटनास्थल पर सुजानगढ़ एएसपी सीताराम माइच, डीएसपी नरेंद्र शर्मा, रतनगढ़ एसएचओ महेंद्र कुमार, एसडीएम अनिल कुमार, तहसीलदार धीरज जाजड़िया, एएसआई कुस्ताराम, हेड कांस्टेबल हेमराज, कांस्टेबल ओम मीणा व प्रमोद मौजूद हैं। और अब आप देखिए एक व्यक्ति को टंकी पर समझाइश के लिए भेजने का प्रयास हो रहा है। आप देख सकते हैं कोई व्यक्ति टंकी पे जा रहा है। लेकिन देखिए इधर राकेश शर्मा ने अपने पैर टंकी से नीचे लटका दिए हैं और धमकी दे रहा है कि कोई ऊपर नहीं आए। आप देख सकते हैं उसने अपने पैर टंकी की रेलिंग से नीचे लटका दिए हैं। राकेश को टंकी पे चढ़े हुए 7 घंटे हो चुके हैं। सुबह 10 बजे चढ़ा था, समय 5 बज चुके हैं और अभी भी राकेश को नीचे उतारने में सफलता नहीं मिली है। तमाम प्रयास प्रशासन कर चुका है, समझाने के सारे प्रयास विफल हो चुके हैं। घटनास्थल पर राकेश की पिताजी भी मौजूद हैं और इधर आप देख रहे हैं ये एम्बुलेंस खड़ी है। किसी भी अनहोनी की आशंका से प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है। प्रशासन को कामयाबी मिल चुकी है, राकेश शर्मा अब टंकी से नीचे आ रहे हैं और आप देख सकते हैं ये राकेश टंकी से नीचे आ चुके हैं। 8 घंटे तक चला नाटकीय घटनाक्रम अब खत्म हो चुका है और राकेश शर्मा जो कि भानुदा गांव के हैं टंकी से नीचे आ चुके हैं और अधिकारियों की तरफ जा रहे हैं। और अब आप देख रहे हैं
एसपी सीताराम माइस, डीएसपी और तमाम प्रशासनिक अधिकारी राकेश से बातचीत कर रहे हैं और उनको समझा रहे हैं और उनको शर्ट पहनने के लिए कहा जा रहा है। ये आपको जैसे दोपहर को बताया था कि इसको समझाइश का दौर जारी था, लगातार समझाइश करने के बाद में अब तक ये पुलिस की और प्रशासन की बात माना और उसके बाद में ये स्वतः ही हमारी समझाइश से नीचे आ गया। इसकी हमने समस्याएं सुनी, इसकी घरेलू समस्याएं हैं, उन घरेलू समस्याओं का इसको काउंसलिंग करवा के निदान करवाएंगे। इसके खिलाफ पूर्व के अंदर मुकदमा था, ज़्यादा समस्या तो इसकी ये है जिसमें ये हत्या का केस था, जिसमें गिरफ्तार भी हुआ था। उस टाइम ये बाल अपचारी था तो किसाओं न्याय बोर्ड में इसको पेश किया गया था। अभी ये बालिग हो गया, एक मामले में इसके वारंट भी जारी है न्यायालय से, जो स्थायी वारंट था जिसकी आज पालना की जाएगी और अभी इसकी काउंसलिंग करवाएंगे ताकि भविष्य में शिकायत की कार्रवाई निकले और जो विधिसम्मत कार्रवाई हो। एक अजीब घटनाक्रम जिसमें राजस्थान के चुरू जिले में रतनगढ़ के भानीधोरा मोहल्ले में हनुमान जी मंदिर के पास बानोदा गांव के राकेश शर्मा जो कि मात्र 21 वर्ष के हैं, पानी की टंकी पर सुबह 10 बजे चढ़ गए थे और जब लोगों को पता चला तो पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने आकर उसे फ़ोन से पूछताछ की, उसने कहा कि मुझे संजय दत्त से मिलना है, साथ में उसने कहा कि मेरे ऊपर जो आपराधिक मामले दर्ज उसके कारण मेरी शादी भी नहीं हो रही है। इस तरह की कुछ बातें सामने आई, पुलिस ने बहुत समझाइश की प्रयास की, प्रशासन वहाँ पर मौजूद रहा जिसमें एएसपी सीताराम माइच, डीवाईएसपी नरेंद्र शर्मा, स्थानीय सीआई, तहसीलदार, उपखंड अधिकारी तमाम लोग मौजूद रहे। वहाँ पर एम्बुलेंस बुलाया गया, टंकी के नीचे गद्दे बिछा दिए गए थे अनहोनी की आशंका से कि कहीं कुछ हो न जाए, क्योंकि राकेश ने गले में फंदा डाल रखा था, उसने धमकी दी अगर कोई ऊपर आया तो वो लटक जाएगा। इस तमाम दबाव के बावजूद समझाइश के बाद शाम को 6 बजे राकेश को नीचे उतारने में कामयाबी प्राप्त हुई। ये सीन निश्चित रूप से उसी तरह का है जिसे शोले फिल्म में धर्मेंद्र बसंती से शादी करने के लिए टंकी पर चढ़ जाता है। सैकड़ों लोग तमाशबीन बनकर इस दृश्य को देखते रहे और ये ड्रामा लगभग 8 घंटे चला। ऐसे सुलगले में शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।